नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है एस कासियान यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी कि केवीएस की तरफ से टीजीटी पीजीटी पीआरटी के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रिक्रूटमेंट निकली है, तो उसी के बारे में आज की वीडियो में आपसे चर्चा करनी थी। और जो ये आपको केंद्रीय विद्यालय की तरफ से गेस्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर पर जो ये रिक्रूटमेंट देखने को मिली है, मैं बिल्कुल आपको स्टार्टिंग में बता दूँ ताकि आपका समय खराब ना हो, ये रिक्रूटमेंट आपको बिहार में देखने को मिली है। तो इस रिक्रूटमेंट से संबंधित सभी जानकारी देने से पहले इस वीडियो को जिन्होंने स्पॉन्सर किया अनअकैडमी, तो उनके बारे में आपको बता दूं। गाइस, आप अपने टेट एग्जाम्स की तैयारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, जिसमें आपको लाइव क्लासेस, एक बार सब्सक्रिप्शन लेने के बाद सभी टेट संबंधित कोर्स को एक्सेस कर पाएंगे, प्रैक्टिस टेस्ट, बैच कोर्स, मेंटरशिप एंड गाइडेंस, आपका संपूर्ण सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा, रेगुलर डाउट क्लियरिंग एंड आंसर राइटिंग सेशन, लाइव टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल पीडीएफ फॉर्मेट में। इसी के साथ कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स ऑन यूपी टेट 2021 जो कि आपका 16 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा, इसमें आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्रैक यूपी टेट 2021 कंप्लीट बैच कोर्स जो कि आपका 18 जनवरी से लेकर 6 मार्च तक चलेगा, इसमें भी आप इनरोल कर सकते हैं, जिसका डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आप हमारे रेफरल कोड KASIyanTET का भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्री क्लासेस, टेस्ट और क्यूज को अनलॉक करने, साथ ही साथ प्लस सब्सक्रिप्शन पर 10% डिस्काउंट पाने के लिए। ये आप टेट प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स देख सकते हैं 1 मंथ, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स और 24 मंथ्स के लिए। इंडियाज बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट, ऑल बैचेज, 1 सब्सक्रिप्शन। तो इधर ये देख सकते हैं दोस्तों, ये केंद्रीय विद्यालय सासाराम पटना जो कि बिहार में आपका स्थित है, उसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। तो इसका डायरेक्ट लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूं। अगर आप इसके होम पेज पे, तो आपको अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर आना है, ठीक है। तो अनाउंसमेंट वाले सेक्शन पर जैसे ही आप आएंगे तो आपको स्टार्टिंग में इधर दिख जाएगा सीरियल नंबर 1 और 2 पर। अगर दोस्तों आप थोड़ा लेट से इस वेबसाइट को विजिट कर रहे हैं, शायद से कुछ और चीज़ें भी इस पर ही अपडेट कर दें, तो शायद से 1-2 नंबर पर जो भी शो हो रहा है आपका थोड़ा सा नीचे चले जाए, ठीक है। तो इधर आपको स्टार्टिंग में दिख जाएगा, एक आपको नोटिफिकेशन दिख जाएगा, दूसरा आपको एप्लीकेशन फॉर्म दिख जाएगा। तो आपको इसे डाउनलोड कर लेना है। और अब मैं आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा देता हूँ डाउनलोड करके। तो ये आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन देख सकते हैं। तो ये जो टीचर्स लिए जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पर, ये 2021 से 22 वाला जो आपका सेशन होगा उसके लिए यहाँ पर इंटरव्यू आपसे लिया जा रहा है। तो स्टार्टिंग में इन्होंने मेंशन कर रखा है कि भाई जो आपका इंटरव्यू होगा वो होगा आपका दोस्तों 22 और 23 जनवरी को सुबह 9 बजे से, ठीक है। और ये इंटरव्यू होगा आपका, ये ऑनलाइन नहीं होगा, ये आपको स्कूल में जाके देना पड़ेगा। और जो भी स्कूल, जो भी आपने भी ऑफिशियल वेबसाइट देखी थी जो कि सहरसा में केंद्रीय विद्यालय का स्कूल स्थित है, उधर ही आपका इंटरव्यू होगा। तो बस कुछ नहीं दोस्तों, आपको इंटरव्यू देने जाने, बाकी जो क्वालिफिकेशन जो नॉर्मल आपसे हर जगह मांगी जाती है, चाहे हम किसी भी टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें, मतलब मैक्सिमम टीचिंग रिक्रूटमेंट की बात करें, या फिर केंद्रीय विद्यालय की परमानेंट रिक्रूटमेंट की बात करें, ठीक है। तो वही सारी क्वालिफिकेशन आपसे इधर मांगी जाएंगी। और बस आपको ज़्यादा तो कुछ खास करना नहीं, अपने सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, बाकी उनकी जीरोक्स जिसे आप फोटो कॉपीज वगैरह बोलते हैं तो उन्हें भी आपको लिख के जाना है। तो इधर कुछ क्वालिफिकेशन दे रखे हैं, पीजीटी इंग्लिश, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लिए, ठीक है। तो इधर बीएड जो दोस्तों जरूरी है, बाकी जब पीजीटी की हम बात करते हैं तो इसमें सीटेट आपका जरूरी नहीं होता। और ये दोस्तों शायद से आपको नोटिफिकेशन थोड़ा सा ब्लर वगैरह देखने को मिल रहा होगा, तो इसके लिए क्या करेंगे, जो मैंने अभी आपको ऑफिशियल वेबसाइट दिखाई थी उसका डायरेक्ट लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो वहाँ से जाके आप इस नोटिफिकेशन को खुद से भी डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी अगर आप इधर ही आपको विजिबल है तो कोई दिक्कत नहीं, इधर से भी आप इसे रीड कर सकते हैं, ठीक है। तो पीजीटी के ऊपर वाले विषय हैं, बाकी पीजीटी कंप्यूटर साइंस हो गया, उसकी एक क्वालिफिकेशन है। टीजीटी की जब हम बात करते हो, टीजीटी साइंस और आपकी इंग्लिश हो गई, पीआरटी आपकी हो गई, ठीक है। पीआरटी म्यूजिक भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, बाकी और भी है दोस्तों, योगा टीचर की भी आपको रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगी, बाकी इसके अलावा और भी है, तो वो दोस्तों टीचिंग लाइन नहीं है, जैसे नर्स वगैरह हो गया, गेम कोच भी है आपका, ठीक है। तो इसे नोटिफिकेशन में ज़्यादा तो कुछ खास नहीं है, आपका जो सिलेक्शन होगा वो इंटरव्यू बेस पे होगा। और आपको शायद से दोस्तों, अगर आप मेरे रेगुलर सब्सक्राइबर हैं तो आपको ये बताने की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो अभ्यर्थी नए नए हैं, वो जो नए विजिट कर रहे हैं हमारे चैनल को, तो उन्हें पता होगा कि केंद्रीय विद्यालय का जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जो है रिक्रूटमेंट निकलती है, अगर आपका इसमें सिलेक्शन भी हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। जिस भी पर्टिकुलर स्कूल में आपने इंटरव्यू दिया, अगर उस स्कूल को आपकी आवश्यकता होगी तभी उस स्कूल आपको बुलाएगा, अदरवाइज आपको नहीं बुलाएगा। इसके अलावा जो अन्य गेस्ट टीचर या फिर कॉन्ट्रैक्ट टीचर की रिक्रूटमेंट होती है दिल्ली की, चाहे हम बात कर ले, तो इसमें ये होता है अगर एक बार आपका सिलेक्शन होगा तो उसके 99% चांस होते हैं कि आपको स्कूल भी अलॉट कर दिए जाएंगे, लेकिन केंद्रीय विद्यालय में ऐसा नहीं है। हालांकि पूरे एक साल मान सकते हैं छुट्टियाँ वगैरह हटा के, जो भी इनका सेशन चलता है, ठीक है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा साल ही पढ़ाने को मिले, शायद से 1 महीना पढ़ाने को मिल जाए, 2 महीने पढ़ाने को मिल जाए, 6 महीने पढ़ाने को मिल जाए, फिर ज़्यादा भी मिल सकते हैं।
तो डिपेंड करते हैं कि उस विद्यालय को आपकी जिस भी विषय की आवश्यकता है शिक्षक की, तो उस विषय की आप शिक्षक उसमें या फिर अदरवाइज किसी और के, ठीक है। तो नीड के ऊपर डिपेंड करता है बेसिकली। तो बस दोस्तों फिलहाल की वीडियो में यही आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए, और भविष्य में जो भी रिक्रूटमेंट निकलते हैं टीचिंग से रिलेटेड वो तो हमारे चैनल पर आपको सूचित कर ही दिया जाता है। बाकी चैनल ही हमारा दोस्तों टीचिंग से रिलेटेड है, जो कि शिक्षकों और भावी शिक्षकों के लिए ही है। तो अगर आप एक शिक्षक बनने की इच्छा रखते हैं तो आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी जो अभ्यर्थी इधर आसपास रहते हैं बिहार में पटना वगैरह के, तो उन अभ्यर्थियों को मैं इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। तो फिलहाल के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अपने अगली इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।